I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. वेलकम बैक टू दि चैनल काविंग आज हम लोग देखने वाले हैं टाटा की पंच जी हाँ दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि टाटा की तरफ से आने वाली एच के नाम पे इसको रिवील किया गया था बट उसके बाद इस गाड़ी का जब फाइनली नाम आया तो टाटा पंच के नाम से आया और ये कुछ इस टाइप के आप लोग की देख सकते हो बेसिकली इसे देख के आप समझ गए कि ये बेस वेरियंट है कुछ क्योंकि टिपिकल की ऐसी ही आप लोगों को देखने को मिलती है और हमने इसमें लगाया है आरडी कंपनी की भाई सेंट्रल लॉकिंग तो ये देख लो लॉक अनलॉक दोनों ही काम करने वाली है, तो ये चीज़ काफी है और आप लोगों को मालूम होगा लोग ज़्यादातर बेस वेरियंट खरीदना पसंद करते हैं उसके बाद अपनी मर्जी की सारी की सारी चीजें उसमें करवा सकते हैं तो यहां पर हमने की और उसके बारे में तो बताऊंगा तो कर सकते हो यहां पर आप लोगों को फॉगलेम्स देखने को मिल जाते हैं ये आप लोगों की पूरी की पूरी डीआरएल आप लोगों को मिल जाती है और इसके अंदर आप लोगों को एक और लोगों ने ऊपर से लगाई है अच्छी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और जब मैं जलाऊंगा तो आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा और सबसे ज्यादा बेस्ट चीज की है जब आप लोग इंडिकेटर भी आप लोग इसका फ्लैश करोगे या ऑन करोगे तो ये तब भी काम करने वाला है तो ये चीज काफी ज़्यादा बढ़िया है और कंपनी फ्री डीआरएल आती है वो थोड़ी उतनी ज्यादा लाइट नहीं प्रोवाइड करती बट जो हम लोगों ने लगाई है इससे एकदम काफी ज्यादा अच्छा फील आता है जैसा आप लोगों को सोनेट में भी देखने को मिलता है तो उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे लाइट मिल जाती है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे हेडलैम्स में तो यहाँ पर येलो थ्रो ही आप इसमें एच आई डी लगवाना चाहें एलई डी लगाना चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है और नीचे अगर आप लोग फॉग लैम्प देखोगे जो कि शायद इस गाड़ी में नहीं आता तो हम लोगों ने यहां पर भी इसको येलो थ्रो वाला लगाया है जो कि गाड़ी के मैचिंग मैचिंग होना चाहिए मतलब गाड़ी से मैच भी करना चाहिए अब काफी बार क्या होता है कि ऊपर आप लोग एल ईडी लगवा लो नीचे आप लोग हेलोजन लगवाओ तो फिर वो मज़ेदार नहीं बनती लगवाना है तो दोनों का सेटअप एक जैसा रखो नहीं तो फिर भाई लगवाओ ही मत तो ये चीज आप लोग देख सकते हो ग्रिल अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो भाई टाटा के लोगों के साथ आपको ग्रिल मिल जाती है और आप लोग यहाँ पे और कुछ कराना चाहो तो वो सारी चीजें भी हो जाएंगी इधर से भी मैं आप लोगों के बार फॉग लैम चेकआउट करा देखें देता और जो इनका थ्रो रहने वाला है वो अच्छा खासा है मैं थोड़ा पीछे जाकर भी कैसी लग रही है और भाई ये चेकआउट कर लो मतलब फ्रंट से तो ये छोटी हेरियर लगती है मतलब काफी अच्छी उस टाइप उसी टाइप की डिजाइन आप लोगों को मिल जाती है तो यहां से अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस टाइप की आपकी डीआरएस देखने को मिलेगी जिसे हम इंटीग्रेटेड कहते हैं जैसा कि आप लोगों को वन में देखने को मिलता है बट भाई बेस तो आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस जो है वो कहीं कही ना कहीं काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी बाकी यहां पर आप लोग पूरा लुक चेक आउट कर सकते हो यहां पर आप लोगों को लगवाने हैं वो भी लग जाएंगे अगर आप, तो आप लोगों को आफ्टर मार्केट लगवाने मतलब कुछ और टेस्ट चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो कई अगर आप लोगों को मड फ्लिप चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे जैसे कि आप लोग देख सकते यहाँ पर गंदी हो रही है मड फ्लिप से थोड़ा सा कीचड़ जो है वो कम

इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई लुक में तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे कि मैंने पे आप लोगों को टाटा पंच का दिखाया जो गाड़ी रहेगी रहेगी क्रेटा पंच रहेगी पंच मतलब जो भी गाड़ी लोगे भाई आपको उसी की बैजिंग देखने को मिलेगी यह है बेस आप लोगों को तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कमी है तो वो सारी की सारी चीजें की भी मॉडिफिकेशन आप लोग करा सकते हो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि भाई आप लोगों को मैनुअली जो क्या कहते हैं मिरर से वो ऊपर नीचे करने पड़ेंगे तो वो चीज आप लोग चेकआउट कर सकते हो एक बार पीछे से भी मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ कि गाड़ी कैसी लगने वाली है स्पॉयर भी बहुत सारे आते हैं अगर आप लोग स्पॉइलर लगवाने हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा बाकी बहुत सारी चीजें हैं लाइक जैसे रिफ्लेक्टर्स हैं अभी तो शायद अवेलेबल नहीं है बट आएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा और साथ ही साथ में पे हमने कैमरा भी लगाया है यहां पर अगर आप पीछे देखोगे तो रिवर्स वाला आप लोगों को लाइट भी देखने को मिलती है ये आप लोगों ने कैमरा भी लगाया है इसके अंदर और कैमरे की जो शुरुआत है भाई वो पांच से लेकर के आप लोग पच्चीस पच्चीस सौ तक लगवा सकते हो अगर आपको और ज्यादा अच्छी चाहिए तो उसकी अच्छी क्वालिटी वाली भी मिल जाएगी बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को रूफ रिल्स भी देखने को मिल रही है भाई पर ये रूफ रिल्स आप लोगों को लगाई गई है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है देखने में और शार्क एंटीना तो भाई देखो आगे ना उतना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बट अगर आप लोग लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो बाकी इसका एंटीना ही बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर अगर आप बूट करोगे तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिल जाएगा ने इसमें लगाया। बेस आप लोग कह सकते हो जो कि काफी ज़्यादा जबरदस्त है अच्छा खासा मतलब ऐसा था ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है इसको सुनने में एकदम लाइट सा था बेस भी आप लोगों को काफी अच्छा दे रहा था और बज भी बहुत अच्छी रही थी तो भाई ये चीज है और टाटा की बिल्ड क्वालिटी को भी आप लोग अच्छे से जानते हो इस वजह से तो भाई और भी ज्यादा मजेदारी बन रही थी इसमें मतलब ऐसा लगेगा नहीं रहता कि गेट खड़खड़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से बज रही थी तो यह चीज काफी ज्यादा बढ़िया है बाकी अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग लगवाना चाहो तो भाई ये सारी लगवा सकते हो फ्लोरिंग कराना चाहो बूट मैट अगर आप लोगों को चाहिए बूट मैट भी मिल जाएगा तो अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर चल करके सारी की सारी चीजों के बारे में तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी के अंदर इन्फोटेनमेंट सिस्टम लगाया है ये कुछ इस टाइप के आपको स्क्रीन और इसे देख करके आप लोग कह नहीं सकते कि आफ्टर मार्केट है बिल्कुल ही सेट ऐसे कराया है हम लोगों ने जैसा आप लोगों को कंपनी फिटेड देखने को मिलता है तो ये आप लोगों का हाइपरसोनिक हम लोगों ने इसमें सिस्टम लगाया है जो कि मेरे अकॉर्डिंग वही दो के आसपास में होगा और एक बार मैं आप लोगों को चेकआउट भी करा देता हूँ कि कितना है कितना नहीं मतलब ठीक है अगर आप लोगों को नॉर्मली चाहिए ज़्यादा आप लोगों को काम नहीं रहता तो सिस्टम इन्फो में चले जाएंगे ज़्यादातर लोग दो जी और सोलह जी वाला ही सेट चिप सेट यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और इतना ज्यादा यूज़ के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसकी तो यहाँ पर अगर आप लोगों को अगर आप लोग यहाँ पर स्टेरिंग कंट्रोल भी लगवाने हैं तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए सारी की सारी चीजें है, फंक्शनलिटीज हैं जो वो आप लोगों को मिल जाती है और टाटा -टा की एक चीज मुझे काफी बढ़िया लगती है जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो अपने बेस में भी इतना अच्छा देते हैं कि क्या ही बताऊं और सुजुकी वालों को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो सिर्फ और सिर्फ एक स्पीडोमीटर दे दिया और काम खत्म भाई ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है उनकी वो सब सारी चीज अपनी जगह भाई तो यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेकआउट करना चाहो तो कुछ इस टाइप का चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर हमने स्टेरिंग रैप भी किया भाई वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अब जैसे यहां पर ये देखोगे टाटा ने यार ये व्हाइट कलर दे दिया इसके अंदर काफी ज्यादा जगह और मुझे लगता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो डेफिनेटली इसे तो गंदा कर ही देंगे इवन आप लोग भी बार बार अंदर बाहर करोगे आओगे जाओगे ये देखो गाड़ी आना जाना तो रहेगा ही तो यहां पर कहीं ना कहीं जो ये है ये गंदा हो सकता है तो अगर आप लोग इसको कार्बन फाइबर कराना चाहो उसको रैप कराना चाहो इस पर गत्ता चढ़वाना चाहो तो ये सारी सारी चीजें जो है वो वो आपको लोगों के लिए अवेलेबल है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोग आकर के ये सारी चीजें करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को साइड में आप लोगों यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर तो आप लोगों को नॉर्मली लॉक अनलॉक के लिए आ जाता है और यहां पर भाई हम लोगों ने दो एस भी निकाल रखी है जिससे आप लोग गाना बजाना चाहो या अपना फोन चार्ज करना चाहो तो वो सारी चीजें भी हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है करने को हम यहां से भी कर सकते थे लेकिन यहां पर थोड़ा सा ना मतलब जगह नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग इसे कर नहीं पाए वर्न हम लोग कर देते ग्लोब बॉक्स तो ऐसा अच्छा अच्छा खासा बड़ा है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर सारे आप लोग ए सी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और सारे के सारे जितने भी आप लोगों को फैन के एडजस्टमेंट है या फिर जो भी ऑन ऑफ करने के लिए सारा का सारा आप लोगों को सिस्टम यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर अगर आप लोगों को गियर नॉब चेंज करानी हो या फिर अगर आप लोग हैंड क्या कहते हैं आमरेस लगवाना चाहो वो सारी चीजें भी लग जाएंगी और ये पीछे से कुछ सीट चेकआउट कर लो इस टाइप के हम लोगों ने सीट कवर भी लगाई है जो कि काफी प्रीमियम लग रही है गाड़ी से भी मैच कर रही है और कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को कुछ अलग अपना अपनी कोई थॉट हो या फिर अगर कोई अपने तरीके से काम कराना चाहता है तो वो सारी चीजें भी अवेलेबल हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है सीट के कंफर्ट की बात करू या कुशनिंग के बारे में बात तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है यहाँ से आप लोग देख लो कहीं पे भी आपको कोई रिंकल विंकल नहीं देखने को मिलेगा जिससे आप लोगों को दिक्कत होगी बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर आप लोगों को जो काम है वो भाई हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने एक माइक भी लगा रखा है जिसके आप लोग हर चीज कर सकते हो और साथ ही साथ में यहाँ पर एक छोटी सी लाइट आप लोगों को मिल जाती है पीछे कोई भी

हो यहाँ पर हम लोगों ने स्पीकर भी डाला है जो कि दो कॉम्पोनेट सेटअप हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर डाला है अब यहां पर मेन चीज मैं आप लोगों को पर आपको मेन चीज दिखा भाई टाटा पंच के बेस में आप लोगों को मैनवली एडजस्ट करने पड़ते हैं तो ये चीज अगर आप लोग आफ्टर मार्केट भी कराना तो हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक आम रेस्ट रख जाएगा जो कि गत्ते से बनता है और उसमें जैसा आप लोगों को कुछ नहीं करानी है वैसी करा सकते हो मैट यहाँ पर आप लोग देख सकते चेकआउट कर सकते हो मैट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं आप लोगों को काफी अच्छा मैट देखने को मिल जाएगा तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा आप लोगों को लुक है और काफी अगर आने वाले टाइम में अगर कोई और आई हैंड गाड़ियां बनती है तो आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा 嘛。啊